नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी तीन चीजें जिनके थ्रू आप अपनी बॉडी से फास्ट फैट लॉस कर सकते हो। नंबर वन है वेट ट्रेनिंग। जब भी आप फैट लॉस करते हो तो अक्सर लोगों को लगता है कि थोड़ा बहुत कार्डियो कर लेंगे और खाना कम कर देंगे तो उससे हमारा फैट लॉस हो जाएगा बहुत जल्दी, बट ऐसा नहीं होता है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके शरीर से सिर्फ वेट लॉस होता है, जिसमें लॉस होता है फैट का, मसल्स का और वाटर कंटेंट का। तो जब भी आप फैट लॉस करते हो तो आपको वेट ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी। वेट ट्रेनिंग इज नेसेसरी। वेट ट्रेनिंग में अपने मसल्स को ट्रेन करते हैं। अब मसल्स का क्या काम होता है? मसल्स का काम होता है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। जब भी हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाते हैं, बट जब हम वेट ऐड करते हैं तो हमारे मसल्स क्या करते हैं? मसल जब हम उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाते हैं तो उस वक्त क्या, मसल का हम जब काम कर रहे होते हैं, मसल काम पे होता है, वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं पर्टिकुलर मसल को, तो उस वक्त हमारे मसल्स में ब्रेक डाउन होता है, हमारा मसल टूटने लगता है, क्योंकि एक्स्ट्रा वेट की वजह से हमारा मसल्स ब्रेक हो रहा है। ब्रेक होने के बाद जब हम अच्छी डाइट लेते हैं तो मसल्स वापस से रिकवर होने लगता है। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है, इससे हमारा मसल खत्म नहीं होता। जैसे हम कोई गाड़ी लेते हैं तो उसको हम कंटिन्यू चलाते रहते हैं, वो 20 साल 30 साल तक लंबा टाइम तक उसका इंजन काम करता रहता है, चलता रहता है। बट वही दूसरी तरफ देखिए, अगर हमने कोई गाड़ी ली है, उसको हमने सिर्फ खड़ा कर दिया, हमने 4-5 साल चलाया और उसको हमने 2-3 साल खड़ा कर दिया, तो उसके बाद हमारी गाड़ी को जंग लग जाता है, हमारी गाड़ी खराब हो जाती है। उसी तरह हमारे मसल्स है, अगर इनको हम वापस से ट्रेन करते रहेंगे, हर दिन इनको परफॉर्म करते रहेंगे, इनकी एक्सरसाइज करते रहेंगे, तो ये हमेशा बने रहेंगे और इतना ही नहीं और एडिशन होता जाएगा मसल्स का। अब मसल्स के फायदे क्या? मसल्स का सबसे पहला ये फायदा है, मसल्स जब हमारी बॉडी में अच्छे बिल्ड होते हैं तब हमारे शरीर में जो फैट होता है, फैट की लेयर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है हमारे पूरे बॉडी के अंदर। अगर हमारी बॉडी में अच्छा मसल है और हमारी बॉडी में फैट भी है तो उसके बावजूद भी हमारी फिजिक अच्छी दिखती है। क्यों? क्योंकि मसल्स की वजह से हमारी मसल्स की कटिंग भी दिखती है, हमारे मसल्स लीन भी दिखते हैं, हम मस्कुलर भी दिखते हैं, इवन कि हमारे एब्स भी थोड़े थोड़े विजिबल रहते हैं जब हमारी बॉडी में अच्छे मसल्स होते हैं। फैट का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन रहता है हर पार्ट में, एक जगह फैट इकट्ठा नहीं होता है जब हमारी बॉडी में मसल्स होते हैं। नंबर टू फायदा जो हो गया, जब हम मसल्स को एक्सरसाइज करते हैं, हमारी मसल्स को एक्स्ट्रा काम देते हैं, हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा वर्क है, तो उससे हमारा मेटाबॉलिज्म भी स्ट्रांग होता है। मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग का मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो कैलोरी है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो जितना हम एक्सरसाइज करेंगे, हम पर्टिकुलर पार्ट्स को ट्रेन करेंगे, तो हमें उतनी कैलोरी की जरूरत पड़ेगी, उतनी कैलोरी बर्न करनी पड़ेगी, तो जाके हम पर्टिकुलर हर चीज की एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। तो अगर आप एक्स्ट्रा मसल्स की एक्सरसाइज करते हो तो मतलब आप कैलोरी भी ज्यादा बर्न कर रहे हो उन एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए। तो आप अगर एक्स्ट्रा बाहर से कैलोरी का इंटेक भी कर लेते हो तो आप उधर बैलेंस कर लोगे, आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट इकट्ठा नहीं होगा। जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो उस कैलोरी को आप बर्न कर दोगे। तीसरा फायदा ये हो गया, मसल्स अगर आपकी बॉडी में तो आप सुंदर दिखोगे, स्ट्रेंथफुल दिखोगे, एनर्जेटिक दिखोगे, आप अच्छे ड्रेस डालोगे तो आप एक अच्छी विजिबिलिटी भी आपकी बॉडी में दिखेगी। नंबर टू चीज है जो आपको ध्यान रखना है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है जब हम फैट लॉस पे होते हैं, अपनी डाइट के अंदर लो कैलोरी फूड को ऐड करना। आप जब फैट लॉस पे होते हो तो आप सोचते होंगे कि हम कम कैलोरी लेंगे, बट कम कैलोरी लेने से क्या होता है, हमारा स्टोमक फिल नहीं होता है। अगर आपका स्टोमक फिल नहीं है तो क्या होगा, आपका स्टोमक डिस्टर्ब हो जाएगा। आपका स्टोमक डिस्टर्ब है तो आपकी बॉडी में इंफ्लेमेशन होगी, लूज मोशन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगी। तो जब ये सब होगा तो आप ठीक नहीं रहोगे, आप बीमार हो जाओगे, आप जो भी करना चाहते वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने स्टोमक को फिल रखना पड़ेगा। काम ऐसा करना है कि स्टोमक भी फिल रहे और आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरी भी स्टोर ना हो। तो लो कैलोरी फूड आपको अपनी डाइट में ऐड करना है। अब लो कैलोरी फूड होते क्या है, लो कैलोरी फूड में से हमें क्या मिलेगा? तो लो कैलोरी फूड वो लेने हैं जिनमें होगा फाइबर, फाइबर वाले फूड हो गए वेजिटेबल्स और साथ में हो गए फ्रूट्स, जिनमें हमें ढेर सारा फायदा मिलता है। वेजिटेबल्स में हो गया खीरा, हो गया टमाटर, हो गए कच्ची सब्जियां, हो गई गोभी, हो गया फ्रूट्स में हो गया एप्पल, हो गया पाइन एप्पल वगैरह, जो जितने भी फ्रूट्स होते हैं इन सबको हमें ऐड करना है फाइबर के लिए। और साथ में आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेने लो कैलोरी फूड में। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपको कहां से मिलेंगे? आपको मिलेंगे ओट से, रोटी से, ब्राउन राइस से, स्वीट पोटैटो से। तो ये सोर्स हो गया कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का। साथ में इसके साथ हमें शुगर क्रेविंग फ्रूट्स भी ऐड करने पड़ेंगे। आर्टिफिशियल शुगर है उसको बिल्कुल भूल जाना है, उसको अपनी डाइट में ऐड रखना ही नहीं है। बट जब हम
आर्टिफिशियल शुगर को अवॉइड करते हैं तो हमें क्रेविंग होती है शुगर खाने के लिए। तो आपको ऐसे फ्रूट्स ऐड करने हैं जिनसे आपको शुगर मिले, नेचुरली शुगर मिले, आपकी क्रेविंग भी खत्म हो जाए। शुगर कहाँ से मिल सकती है? आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो, किशमिश हो गया, बादाम हो गया, या फिर फ्रूट्स ऐड कर सकते हो जिसमें शुगर वाले फ्रूट्स होते हैं। इनसे क्या होगा, आपको नेचुरल शुगर भी मिलेंगे और आपको क्रेविंग भी नहीं होगी। आपका चॉकलेट खाने का मन नहीं करेगा, आपका मिठाई खाने का मन नहीं करेगा, आपकी क्रेविंग इधर से दूर हो जाएगी। इसलिए आपको नेचुरल शुगर इसकी जगह ऐड कर देनी है, तब जाके आप अपना जल्दी फैट लॉस कर सकते हो। नंबर 3 हो गया हमारा अंडरस्टैंड कैलोरी रिस्ट्रिक्शन। कैलोरी इन और कैलोरी आउट का फंडा आपको सीखना ही पड़ेगा अगर आप फैट लॉस करना चाहते हो। इसके सिवाय कोई रास्ता ही नहीं है फैट लॉस का। अगर आपको कैलोरी इन का कैलोरी आउट का नहीं पता है तो आप कभी भी अपना फैट लॉस नहीं कर सकते हो। कैलोरी इन मतलब आप जो भी कैलोरी इनटेक कर रहे हो, जैसे आपने कुछ खाया है और उसके बाद जब हम कोई भी फंक्शन करते हैं, हाथ हिलाते हैं, कॉम कर रहे हैं, बॉडी के अंदर हमारा मसल रिपेयर हो रहा है, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी काम करते हैं, तब हमारी कैलोरी जो होती है वो बर्न होती है, उसे हम कहते हैं कैलोरी आउट। अब आप कैलोरी कितनी डाल रहे हो और आप कितनी बर्न कर रहे हो, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट जब हम फैट लॉस के पीरियड में होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कितनी कैलोरी को इनटेक कर रहा है। ये एक बहुत ही सुंदर एक तरीका है, हमें पता होता है कि हमारे शरीर का कितनी मेंटेनेंस कैलोरी है, हमारे पर डे शरीर में कितनी मेंटेन कैलोरी है, ये आपको पता होना चाहिए। और आप सुबह से लेकर शाम तक क्या खाते हो, कितना खाते हो, कितनी मील्स लेते हो, उन पर्टिकुलर मील्स में कितनी कैलोरी आप इनटेक कर रहे हो, इस चीज़ का नॉलेज आपको होना बहुत ही ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि उस मील में कितनी कैलोरी है, जो भी आप खा रहे हो उससे मेरे को कितनी कैलोरी मिली और पर डे मेरे को पूरे दिन में कितनी कैलोरी मैंने इनटेक करी है, दैट इज़ इन। अगर ऐसा आपको पूरा पता चल जाएगा तो आप काउंट करके कैलोरी खाओगे तो आप हमेशा अपने आप को फिट रखोगे और आप जल्दी से फैट लॉस कर सकोगे। लेट अस सपोज कि मेरे एक दिन की कैलोरी 2500 है, पर डे मेरे को अपने आप को मेंटेन करने के लिए 2500 कैलोरी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा मैं इनटेक करता हूँ तो क्या होगा, वो कैलोरी क्या होगी, मेरी बॉडी के अंदर स्टोर होने लगेगी। मेरे को तो 2500 ही कैलोरी चाहिए, बट मैंने कैलोरी कितनी ले ली, 2600-2700 ले ली और मेरा फंक्शन काम कम कर रहा हूँ, तो वो कैलोरी मेरे अंदर स्टोर होने लगेगी तो मैं फैटी होने लगूंगा। लेकिन जब आप फैट लॉस कर रहे हो तब उस वक्त क्या है कि 2500 कैलोरी आपको पता है मेरे शरीर की मेंटेन कैलोरी है, आपको क्या करना है 100 कैलोरी कम करनी है हर हफ्ते में, या हर वीक में, या हर महीने में। आपको 2500 की जगह 2400 लेनी है, फिर 2400 की जगह 2300 लेनी है। तो शरीर में कैलोरी कितनी जा रही है, 2400 या 2300, लेकिन मेरी मेंटेन कैलोरी कितनी है, 2500। तो शरीर को फंक्शन करने के लिए 2500 कैलोरी ही चाहिए, वो 2500 कैलोरी ही लेगा, भाई आप डालो या ना डालो। लेकिन हमने तो कम डाली हुई है, अब शरीर को क्या करना पड़ेगा, जो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर कैलोरी है, जो हमारे शरीर में फैट है, वो एक स्टोर कैलोरी है, वो एनर्जी है, तो शरीर उधर से लेगा, भाई मुझे तो 2500 ही चाहिए, मैं 2500 में ही काम करूंगा। तो वो जो 100-200 कैलोरी कम पड़ रही है वो हमारे शरीर से लेगा, तो उससे क्या होगा, हमारे शरीर में फैट कम होने लगेगा और मसल बनने लगे। अब मसल बहुत अच्छी चीज है भाई, मसल बनाना ही जरूरी है अपने शरीर के अंदर। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको, आपको क्या करना है, बाइक लेके जाना और बाइक की एवरेज है 1 लीटर पे 35 किलोमीटर, आपको जाना है 40 किलोमीटर। अब बाइक को 40 किलोमीटर लेके जाओगे तो ऐसा तो नहीं है भाई 1 लीटर में मैनेज करना, भाई 40 किलोमीटर तो पहुंचना, थोड़ा थोड़ा तेल लेता है, बाइक ऐसा नहीं करेगी। उसको क्या करना है, उसको आपको 35 किलोमीटर तक ही लेके जाना है 1 लीटर में। 1 लीटर तेल में आप 35 किलोमीटर तक पहुंचोगे, लेकिन आपको जाना तो 40 किलोमीटर तेल, तो 1 लीटर डाला, अब क्या करेंगे, अब बाइक क्या करेगी, जो रिजर्व ऑयल पड़ा है आपकी गाड़ी के अंदर, जो रिजर्व लगा होता है गाड़ी में, जो 1-2 लीटर एडवांस पड़ा होता है, तो गाड़ी वहां से लेगी। आपको 40 किलोमीटर वो 1 लीटर में नहीं पहुंचा रही है, वो 1 लीटर से कुछ ज्यादा तेल में पहुंचा रही है, वो कहां से ले रही है, वो रिजर्व से ले रही है। एक टाइम पे क्या होगा, धीरे धीरे वो रिजर्व भी खत्म हो जाएगा। उसी तरह हमारा शरीर भी हमारी एनर्जी कहां से लेता है, हमारे फैट से लेता है, जब हम कम कैलोरी अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं। हमने कम कैलोरी डाली है भाई, उसको कहाँ पे लगा दो, उसको डाल दो आदत कि अब हम तेरे को कम ही मिलने वाली है, देखो इसमें एडजस्ट करना है, वो उसमें एडजस्ट नहीं करता है, वो 2500 ही लेगा, बट वह कहाँ से लेगा, अपने शरीर से जो स्टोर कैलोरी उसको लेता है। तो इस तरह से आप अपनी कैलोरी को कम कर सकते हो, अपने इस तरह आप अपनी बॉडी से फास्ट फैट लॉस कर सकते हो। तो आपको कैलोरी का इन कैलोरी आउट ये आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हो कि आपका फैट जल्दी बॉडी से जाए और आप ऑलवेज फिट रहे। तो इस फंडा को आपको सीखना ही पड़ेगा, किस तरह से हम अपनी कैलोरी को फाइंड करते हैं, किस तरह से हम अपनी डाइट बना सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, ये आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मिल जाएगा इस वीडियो का, आप उससे सीख लोगे किस तरह से हम अपनी कैलोरी इन कैलोरी आउट सीख सकते हैं, किस तरह से हम अपना डाइट क्रिएट कर सकते हैं। आप जान सकते हो अपना बॉडी का कैलोरी पर डे कितनी होती है। तो आई थिंक इन तीनों रास्तों में से कोई भी रास्ता स्किप करोगे तो आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपकी बॉडी जैसे फैट जल्दी नहीं जाएगा। तो
आपको ऐसे वे से आप अपने बॉडी से इजिली फैट बर्न कर सकते हो। सो आई थिंक आपको समझ आ गया किस तरह से अब आपको कौन सा रास्ता अपनाना है, किस तरह से आप ड्यूरिंग द फैट लॉस आपको क्या क्या काम करने हैं। तो आज के लिए बस इतने, अगली बार फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।